कहते हैं ना, सपने देखने चाहिए, चाहे वो छोटे हो या बड़े, क्या फर्क पड़ता है। मेरा और सपनों का बहुत गहरा नाता है। आए दिन मैं नए नए सपने देखता रहता हूँ और फिर उन्हें पूरा करने में लग जाता हूँ। तो उन हजारों सपनों में से एक सपना जोकू वैली ट्रैक। तो फिर क्या था, 3 महीने के नॉर्थ ईस्ट के इस सफर में कई चैलेंजेस फेस करने के बाद और उनसे बहुत कुछ सीखने के बाद मैं पहुंच गया नागालैंड की कैपिटल सिटी कोहिमा। कोहिमा से 30 किलोमीटर दूर विश्वा विलेज से ये ट्रैक शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सो गाइस, टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 2 और हम वैली में एंटर कर गए हैं। और आपको पता है कि जब मैं टी शॉप पे था तो मैंने आपको टाइम बताया था 12, बट 12 नहीं बज रहा था, तब बजा था 10 और मैंने शायद कन्फ्यूज हो गया था मैं। और इसी वाला जो था क्रॉस मैंने कर दिया है और 3.5 घंटे लगे हमें क्रॉस करने में। और देखा आपने कैसे लिफ्ट मिल गई, अगर लिफ्ट ना मिलती ना तो मे बी आज हम वहाँ पहुँच भी ना पाते। और अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि हम पहुँच पाएंगे कि नहीं, बट ये तो तसल्ली है कि हम वैली में एंटर कर गए हैं। और वैली में एंटर करना मतलब कि आपका जो ट्रैक है वो ईजी हो गया, क्योंकि रास्ते आप देख रहे हैं ऐसे हैं और ये पूरी वैली है। और अभी हम जब जो आ रहे थे जहाँ से वो ऐसे था, स्टार्टिंग पॉइंट से हम इस तरह से चढ़ कर आए, तो काफ़ी। बट एक्चुअली मुझे ये जो ट्रैक है ना वो इजी लगा, लामाडुक से ये ट्रैक बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। और एक बात ये भी है कि मैंने जो सामान था वो हम लोगों ने हल्का कर लिया इस वजह से, क्योंकि लामाडुक में मेरा जो बैग था वो बहुत भारी था, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। और अभी कुछ लोग हमें वहाँ पर दिखे थे, मैं बहुत तेज़ उन्हें चिल्ला कर बुलाया अभी, बट वो सुने नहीं। और पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, वो दूर रेस्ट पॉइंट दिख रहा है मुझे, छोटे से हाउसेस हैं। तो जनाब मज़ा आने वाला है और ठंड बढ़ गई है, हाथ थोड़ा सा नमनेस फील हो रहा है क्योंकि हवा तो तेज़ नहीं चल रही है, बट यहाँ पर जो ठंड है वो थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो मज़ा आ रहा है, और अगर आपको भी मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो फाइनली गाइस, 6 घंटे के बाद हम आ गए हैं, देख सकते हैं आप, फाइनली जोको वैली ट्रैक कंप्लीटेड। और जब आप ट्रैक कंप्लीट कर लेते हो उसकी अलग खुशी होती है। हाँ, 6 घंटे के कॉन्टिन्यूस वॉक के बाद, हाई स्टीप लो स्टीप, बहुत देर तक बैठे, बहुत देर तक चले, एंड फाइनली वी आर हियर। तो सबसे बेसिक जो काम हमने किया है वो सबसे पहले टेंट लगा दिया है, और टेंट भी इसीलिए इधर किनारे लगाए क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना इससे हम हवा से बचे रहेंगे, तो इसीलिए हमने इधर किनारे लगा दिया। बाकी लोगों ने अलग अलग जगहों पे लगाया है, ये जो जगह पे लगाया ना टेंट, ये हवा भी बहुत आएगी, ठंड भी ज़्यादा लगेगी, तो इसीलिए हमने ये वाला प्लेस चुना। और ये बेस्ट है क्योंकि इस साइड से तो हम 3 साइड से घिर चुके हैं, हवा नहीं आएगी, ऊपर से ही आएगी और इस तरफ से आएगी। सो अभी बहुत भूख लगी है क्योंकि हम 10 बजे का चले थे, आपको पता है, और जो पहले से हमारा हमसे जो आगे से थे ना उनको भी हमने पीछे छोड़ दिया था। और अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने। निनाद भाई, एक वर्ड या एक सेंटेंस या awesome. कैसा लगा? मज़ा आया ना? कैसा था ट्रैक, मतलब बेसिकली स्टार्टिंग टू एंड? मज़ेदार था, स्टार्टिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा स्पेशली फॉर मी, बट बाकी का जो ट्रेल था वो एकदम ही सिंपल था। और हम लोगों ने एक्चुअली जो हम लोगों ने उधर जो लेट वो किया, हमें लग रहा था कि आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, कर लेंगे, और बाकी एकदम ऑर्गेनिक बन बन है।
सो स्टार्टिंग में हमें ऐसा लग रहा था कि शायद हमें एक जो यहाँ पर आता है रेस्ट टाइप का एक है पॉइंट, हम सोचते वहीं पर आज रात बिताएंगे क्योंकि बहुत स्टीप था वो, तो स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि टाइम लग जाएगा, बट जैसे ही हम वैली में एंटर किए उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि हम हम दौड़ रहे थे लिटरली, और जो हमसे पहले से चल रहे थे 8 बजे 9 बजे 10 बजे का जो चले थे वो बहुत लेट आए, और अभी वो पहुंच रहे हैं कुछ लोग, तो अभी सबसे पहले से खाते हैं। और शायद हम लोगों ने एक बहुत ज्यादा स्टीप वाला रास्ता लिया, अनदर वन जहाँ से बाकी लोग आ रहे थे, हम जिस ट्रेल से आ रहे थे बहुत ज्यादा स्टीप हमें लगा, ये ऐसा हमें भी लगा था। हाँ, हम लोग चढ़ने से पहले भी हम दोनों एक बार डिस्कशन किए भी थे कि ये सही है या नहीं, बट ठीक है, जो था अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस था। और अभी खाते हैं और उसके बाद शाम को देखते हैं क्या सीन है, यहाँ पर बॉन फायर होता है कि नहीं, और नहीं तो हम खुद ही लकड़ी इकट्ठा करके जलाएंगे। भाई के पास स्लीपिंग बैग है, मेरे पास स्लीपिंग बैग नहीं है, बट फिर भी हमने एक बड़ा ब्लैंकेट लिया है क्योंकि रात में बता रहे थे 2 से 3 बजे के बीच बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ेगी, और अभी से इतनी ठंड लग रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि रात में तो ठंड और बढ़ जाएगी। तो मैं आपको एक हल्का सा यहाँ का टूर दे देता हूँ, एक क्विक टूर, और यहाँ पर फूड के भी रेट्स हैं, और अगर आप चाहें तो डोरमेट्री में रुक सकते हैं, आप टेंट भी ले सकते हैं, ब्लैंकेट्स मिल सकता है आपको। डोरमेट्री का जो कॉस्ट है वो है 50 रुपीज़, और अगर आपको प्राइवेट रूम चाहिए तो उसका कॉस्ट है 1500। सो लेट मी शो यू, सो ये रेट्स हैं, आप ये चेक कर सकते हैं। हाय So, ये फूड रेट्स थे, और मैं आपको किचन दिखाता हूँ। So, ये इनका किचन है, एंट्री तो नहीं है बट वीडियो तो बना ही सकते हैं। So, ये किचन है, इधर टॉयलेट्स हैं, काफी सही है, और यहाँ पर अगर आप चाहें तो ब्लैंकेट मिल जाएगा आपको, और मैं आपको दिखाता हूँ, मे बी इधर डोरमेट्री है। हाँ, ये शायद डोरमेट्री है। एंड इधर से ये बैकयार्ड का व्यू है, अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ से ये लोग पानी लेकर आते हैं, और उसका ट्रेल यही है जहाँ से हम आए। और मैं आपको बता दूँ कि फूड के रेट्स यहाँ के हिसाब से देखिए ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये लोग भी बहुत नीचे से सामान लेकर आते हैं, तो रेट्स हाई होना ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे अगर यहाँ का मैं रेट बताऊँ तो 200 रुपये है अगर आप इसमें दाल, मतलब वेज फूड लेते हैं जिसमें दाल मिलेगा आपको, चावल मिलेगा और पोटैटो फ्राई मिलेगा, बट अगर आप मीट खाते हैं तो उसका 300 रुपये प्लेट है। तो अगर आप एक दिन के लिए आ रहे हैं, आपके पास गैस वैस नहीं है, तब तो सही है, बट आप खा सकते हैं, इजी है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और हाँ, मैं आपको वो जगह लेके जाता हूँ जहाँ से लोग पानी भरते हैं। सो ये ट्रेल है जो नीचे जा रहा है, ये देख रहे हैं आप, और वो देखिए वहाँ, लेट मी शो यू, ये देखिए, ये इनके, ये आप देख रहे हैं ये पूरा बर्फ जम गया है घास पर, और ऐसे पूरी जगहों पर है।
सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और रात मेरी काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी ठंड थी और हमने ब्लैंकेट लिया था यहाँ से, पर फिर भी ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो अगर आप नवंबर दिसंबर जनवरी में आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके आइएगा ठंड के लिए, क्योंकि ये आप देख रहे हैं, ये घास के ऊपर ये बर्फ़ जमी है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, और हमारे टेंट के ऊपर भी बर्फ़ जम गई थी। और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ एक चीज़ दिखाने, क्योंकि पानी भी जम गया है, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो पानी वहाँ से आता है रनिंग वाटर, क्या वो भी जम गया है या नहीं। ओह, और ठंड इतनी थी, ठंड अभी मेरे हाथ भी जम रहे हैं। और रात भर हम, मतलब ठंड तो इतना, ब्लैंकेट ओढ़ने के बाद भी ठंड लग रही थी। तो आप समझ लीजिए कि अगर आपको आना है तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके आना होगा। हमारे पास स्लीपिंग बैग भी था और कई चीज़ें थी, बट फिर भी ठंड लगी। तो ये वाटर नहीं जमा है, ओके, तो ये वाटर तो नहीं जमा है, मैं बस यही देखने आया था कि ये जमा है कि नहीं। सो ऊपर जितने पानी रखे थे, ऊपर एक भैया ने बाल्टी में पानी रखा, वो पानी जम गया है और पूरा घास जम गया है। तो दूर दूर से पूरी वैली वाइट दिख रही है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको चलकर।